इतना बड़ा घोटा ये देखो, दोस्तों रमजान का महीना है और हम लोग आ गए हैं हैदराबाद ट्राई करने पिस्ता हाउस का अलीम। ये जो आप इंग्रेडिएंट देख रहे हो यहाँ पे, ये सारी चीज़ें यूज़ करके ये बनाया जाता है। कुछ 22-23 या कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं मुझे एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता, पर ये सारे इंग्रेडिएंट यूज़ करके इसे बनाया जाता है। यहाँ पे इसका पिस्ता हाउस का देसी घी का सैशेट रेडी हो रहा है जो कि ऊपर से गार्निशिंग के लिए यूज़ होता है। ये पिस्ता हाउस का स्टोर हॉल है जहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट स्टोर किए जाते हैं, और ऐसे हैदराबाद में 4 स्पेस है जहाँ पे ये हलीम बनाया जाता है। इस बड़े से घोटे का इस्तेमाल करके ये बनाया जाता है घोट घोट के, तो वीडियो को इंटर के देखना, मजा आ जाएगा। पूरा डिटेल में दिखाएंगे कैसे बनता है। देख सकते हो यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट और मटन का बॉइलिंग प्रोसेस चालू है, बहुत अच्छे से पकाया जा रहा है। अब ये जाएगा घोटने के लिए। कंटिन्यू घोटा जाता है इसे यहाँ पे ताकि अच्छी तरह से ये पूरा एक एक रेशे रेशे गोश्त के अलग हो जाए। कंटिन्यू तैयार होते जाता है, सुबह से लेकर शाम तक के 35 आउटलेट में जो है सप्लाई करने के लिए कंटिन्यू काम होते जाता है भाई। ये भी देख सकते हैं इतना बड़ा घोटा ये देखो, अब इसको घोटो में एक जाएगा फिर दूसरे, क्या बात है भाई। ये तो बहुत मेहनत का काम है, हैट्स ऑफ है भैया, हैट्स ऑफ। इतना करके लग गया मेरा रोजा है ना, इन वजह से मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता, मगर भाई इन लोग एक घंटे में भी ज़्यादा कंटिन्यू ले जाते हैं, वो भी रोजे के साथ साथ भाई। जबरदस्त पूरा गाढ़ा बना है भाई, और बिल्कुल हाइजीन के साथ बनाते हैं भाई, बिल्कुल हाइजीन के मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है भाई। उनके फैक्ट्री में 10,000 से भी ज़्यादा तैयार होता है एक एक फैक्ट्री में ना भैया, एक एक फैक्ट्री में 10,000 से भी ज़्यादा क्वान्टिटी में तैयार होता है। और बाकी 4x4 अलग अलग है थे हैदराबाद में, बिल्कुल यहाँ पर टेस्ट करना भाई ज़रूर। मैं अब आउटलेट में बता दूँ कैसे सप्लाई होता है भाई। घोटने के बाद भाई ये तैयार हो रहा है और कंटेनर में जा रहे हैं पूरे आउटलेट में जाने के लिए। 35 से भी ज़्यादा आउटलेट है हैदराबाद में सिर्फ, और बाकी एशिया में भी बहुत सारे हैं। ये देखो कितना बड़ा कंटेनर है भाई, इतना बड़ा डेग में से निकाल रहे हैं। ये देखो भाई इसकी थिकनेस देखो भाई, कितना प्यारा दिख रहा है भाई, ज़बरदस्त। और पूरे मसाले 26 से भी ज़्यादा मसाले इसमें गए हुए हैं, देखो भाई थिकनेस। यहाँ से पैक होने के बाद कंटेनर में इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है, और कंटेनर के थ्रू अब सारे आउटलेट्स में हैदराबाद में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हम लोग हैदराबाद के मेन ब्रांच में आ गए हैं जहाँ से ये सेल किया जाता है। देख सकते हो आप कितना रश होता है लोगों का इसे खरीदने के लिए। ये कितने वाला बॉक्स है भैया? और ये कितने वाला है? मशीन के जैसे हाथ चलते जा रहा है भाई, दो कार्ट वाला जो है पैकिंग तैयार है, लाइन से लगे हुए हैं तैयार करते जा रहे हैं। ये तुरंत आने के लिए ऐसे कम में मिलता है, और पार्सल ले जाने के लिए ऐसे कम में मिल जाता है। ये देखो भाई क्या लचीला है, कितना ज्यादा क्वांटिटी में तैयार होते रहते हैं सुबह से लेकर रात के 3 बजे। कितने बजे तक तैयार होते? 3 बजे तक के मिलते जाता भाई पिस्ता हाउस में। यहाँ पर भाई सबसे पहला चार मीनार के पास इनका आउटलेट है पिस्ता हाउस का। क्या बात है, देखो जबरदस्त कंटिन्यू काम हो रहा है। ये देखो भाई जबरदस्त पैकिंग कंटिन्यू चालू है, जबरदस्त बिल्कुल। आपको आने तो बिल्कुल चार मीनार के पास मिल जाएगा पिस्ता हाउस का सबसे पहला आउटलेट में, और भी सब तरफ मिलते हैं कंटिन्यू। मैंने जितने भी आउटलेट है तो दोस्तों ये आ गया हमारा पिस्ता हाउस का अलीम, जिसे इतनी मेहनत लगती है बनाने में, तो खाने में बहुत ही मजेदार था। अगर आपको भी ये ट्राई करना है तो चार मीनार के पास इनका एक आउटलेट है, और ऐसे बहुत सारे आउटलेट्स हैं इनके हैदराबाद में, सो डू विजिट एंड ट्राई।